पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय जवान की हत्या के बाद से सीमा पर तनाव पसरा है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से सीज फायर का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। समय की टीम मेंढर की कृष्णा घाटी की उस जगह पर पहुंची जहां भारतीय जवानों की हत्या कर दी गई थी। समय संवाददाता ज्योति पछिंदा ने पुंछ जिले के लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी जायजा लिया। इस समय हम खड़े हैं मेंढर के कृष्णा घाटी सेक्टर में। यही वो जगह है जहां पर 8 जनवरी को हमारे दो सैनिकों की निर्मम हत्या कर दी थी और उसके बाद से ही यहां पर एकदम इतना तनाव हो गया है, एरिया एकदम सेंसिटिव हो गया है। यहां पर आने के लिए किसी को भी वर्जित कर दिया गया है। मैं आपको यहां का टेरेन बता दूं, ये जो मेरे इस फेंसिंग के उस तरफ आप देखेंगे तो एक पाकिस्तान है जहां इसका जो ये रिवर वहां से आ रही है, एक नाला है जहां पर आतंकी अक्सर घुसपैठ करते हैं। ये आतंकियों का एकदम एक्टिव सा एरिया है जहां पर वो लगातार घुसपैठ करते हैं और यहीं से वो यहां से निकलकर वो भारत की डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर जाते हैं जहां पर वो बड़ी वारदात को अंजाम देने का प्रयास करते हैं। और यही वो पोस्ट है जहां पर इन आतंकियों पर, इन घुसपैठियों पर या पाकिस्तानी उन रेंजर्स पर जो भारतीय सरहदों में आकर लैंडमाइंस बिछा जाते हैं, वो यहीं पर उन पर नजर भी रखी जाती है। हालांकि इसके आगे जाने की अनुमति नहीं है, बावजूद इसके हमें यहां तक आने की अनुमति मिली है और यहीं से हम आपको बताने का प्रयास कर चुक रहे हैं कि यही वो जगह है जहां पर पाकिस्तान 8 जनवरी के बाद लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और लगातार फायरिंग कर रहा है, जिसकी हमें हमारे जो जवान है उनको प्रोवोक किया जा रहा है। वो ऐसी जगहों से वो फायरिंग करता है जहां पर पाकिस्तान की आबादी है, ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को यह जितलाना चाहता है कि भारतीय फौजें जो हैं वो पाकिस्तान की घनी आबादी वाले क्षेत्र में भी फायरिंग कर रहा है। लेकिन मैं इस एरिया के बारे में बता दूं, ये तनावपूर्ण एरिया है, यहां पर इस समय चलना भी उचित नहीं है। इस समय मेंढर सेक्टर के कृष्णा घाटी क्षेत्र से ज्योति पछिंदा। और समय संवाददाता ज्योति पछिंदा ने सीमा के पास गांव में रहने वाले लोगों से भी बातचीत की। गुत्र मंदार एलओसी पर मेरे साथ सेना के लिए एक पोर्टर का काम करने वाले एक और सज्जन मेरे साथ खड़े, मैं उन्हीं से पूछता हूं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फजल सैन सर। फजल जी, आप आर्मी की किस रेजिमेंट के साथ जुड़े हुए हैं? हम अपने हिंदुस्तान की आर्मी के साथ सर। यहां से मुझे पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, आप मुझे थोड़ा बताएं हिंदुस्तान कौन सा है, पाकिस्तान कौन सा? हमारा हिंदुस्तान की पोस्ट सर ये जो बीच में है वो टेकरी के ऊपर है, ये अपनी हिंदुस्तान की पोस्ट है अपनी किरनी की। अच्छा, और ये जो बीच में पोस्ट है ये है पाकिस्तान की पोस्ट, इसके नीचे वाला एरिया ये जो अपना ही है हिंदुस्तान का, ये भी किरनी में पड़ता है। और किरनी सेक्टर कई बार यहाँ से हम सुनने में आता है कि फायरिंग वायरिंग होती है किरनी सेक्टर में, क्या आपको क्या अनुभव है यहाँ का? सर यहाँ किरनी सेक्टर में फायर ये है कि एलओसी है सामने, आर पार की बात है, तो इसमें ये फटाफट से फायर का खतरा होता है हमारे को। जब फायर होता है तो हमारे सिविल लोगों को बहुत खतरा होता है, यहाँ पे कहीं छुपने के लिए भी जगह नहीं होती, ऐसी टाइम में फायर शुरू कर लेते हैं कि हम कहीं छुप भी नहीं सकते। तो उस समय जब फायरिंग शुरू होती है, कोई बंकर्स कुछ इस तरह का बनाया बचने के लिए कुछ इस तरह? नहीं सर, हमारे ये कच्चे मकान है, हमारा कोई यहाँ पे बंकर शंकर को हमारा कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा, ये जो मैं देख रहा हूँ ये जो एक बड़ी सी तोप लगी हुई है, गन सी है, ये भारत की है या पाकिस्तान की है? कौन सी सर? ये बीच वाली, ये अपनी भारत की है। और इसके सामने बिल्कुल वो कौन सी है जो पिकेट है पाकिस्तान की? वो पाकिस्तान की है सर। उसका नाम क्या है? ये सर अपने इसको बोलते हैं अपने वो किरनी पोस्ट है ना पाकिस्तान की। तो यहाँ पर कई पाकिस्तानों की हलचल या कुछ उनके अजान की आवाजें सुनाई सुनाई देती होंगी? अजान जब वो देते हैं मस्जिदों में, अजान देते हैं तो मस्जिद की अजान सुनाई देती है यहाँ पे। जिस तरह ये सेना के लिए पोर्टर का काम करने वाले यहीं के नागरिक हैं, इनका कहना है कि पाकिस्तान की केरनी पोस्ट से अचानक फायरिंग शुरू हो जाती है और ये इनको बचने का या छुपने का कहीं भी अचानक जगह भी नहीं मिलती। इनके मकान कच्चे हैं, इन्होंने कोई बंकर्स नहीं बना रखे, बावजूद इसके दहशत है, भयभीत है। इस समय पुंछ के एलओसी से ज्योति पछिंदा। पुंछ एलओसी पे खड़े हमें कुछ छात्र भी मिले हैं जो बिल्कुल पाकिस्तान की सीमा के साथ ही रहते हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि इस माहौल में वो कैसा महसूस करते हैं। क्या नाम है आपका? रुखसाना राठौर। रुखसाना, आप कहाँ रहते हो और पाकिस्तान के कितना नजदीक है, मुझे थोड़ा बिल्कुल ब्रीफ बताना। मैं गुंदरिया में रहती हूँ, पाकिस्तान के करीब ही, थोड़ा सा दूर हूँ, फैंसी के नजदीक।
तो कभी पाकिस्तान की वहाँ देखते रहते होंगे किस तरह की मूवमेंट होती है? हाँ, पाकिस्तान की मूवमेंट तो ठीक ही होते हैं, पर हमें अपनी फौज पे भरोसा है क्योंकि नहीं, जैसे अभी माहौल है, तनाव है, बॉर्डर्स पे फायरिंग हो रही है, क्या आपने सुनी कभी फायरिंग? इस पर फायरिंग सुनी है तो कभी डर लगता है? डर लगता है, फिर अपनी फौज है ना, इस पे भरोसा है क्योंकि हमारी फौज बहुत कंट्रोल करती है, क्योंकि हमारी फौज ने आज तक उधर पहल नहीं की है, पहल पाकिस्तानियों ने की है। आपका नाम क्या है? शायदा प्रवीण। शायदा, आप कहाँ रहते हो? जी, मैं शाहपुर में रहती हूँ। तो वहाँ से पाकिस्तान कितनी दूर है? थोड़ी दूर है, 2-3 किलोमीटर। तो आपको जब फायरिंग के दौर में किस तरह का महसूस करते हो? जी, डर तो लगता है, फिर हमें अपनी आर्मी पर भरोसा आया क्योंकि हमें वो बहुत कंट्रोल रखती है। तो स्कूल जाते हुए भी आते जाते कभी डर लगता है कि कभी गोली बाहर निकलते निकलते आपको भी लग जाए? जी, डर तो लगता है, आपको पता है, फिर अपना डर तो होता ही है, लेकिन फिर भी उतना नहीं डरते क्योंकि यहाँ पर आबादी बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें डर कुछ नहीं लगता। कोई बंकर्स बनाए आपके घर वालों ने कहीं छुपने के लिए जब फायरिंग अधिक हो जाए तो? बंकर्स नहीं, अभी कोई नहीं। हमारे साथ कुछ और छात्र भी हैं। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम नजीर अहमद है। नजीर, आप कहाँ रहते हो और कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सर, मैं इस्लामाबाद रहता हूँ, उधर स्कूल पढ़ता हूँ। तो आप पाकिस्तान और आपके घर में कितनी दूरी है? सर, कम से कम 15 किलोमीटर दूर है। अच्छा, आप काफी दूर रहते हैं वहाँ पर, लेकिन जिस जगह हम अभी खड़े हैं ये बिल्कुल पाकिस्तान के एक नियंत्रण रेखा के बिल्कुल पास है, तो यहाँ फायरिंग वगैरह सुनी कभी आपने? सर, फायरिंग कभी कभी होती है, जब थोड़ा मामला हो जाता है किसी बात का तब होती है, वैसे नहीं होती है, वैसे अच्छा मामला रहता है जैसा। डर लगता है कभी? सर, डर लगता है थोड़ा, लेकिन अपनी जो फौज है वो हमें हिफाजत में रखती है। सीमा के पास रहने वाले ये लोग भयभीत जरूर होते हैं, तनाव में रहते हैं, टेंशन रहती है, लेकिन इन्हें अपनी फौज पर पूरा भरोसा है, इत्मीनान से रहते हैं और इन्हें पता है कि पहल कभी हमारी तरफ से नहीं हुई। इस समय एलओसी पुंछ से ज्योति पचनंदा।